फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की जैक्सन को देखते हैं जो पंखे से रस्सी बांध रही थी। वो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। अब रस्सी यानी फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लेती है, लेकिन शायद अभी उसका मरना लिखा नहीं था क्योंकि तभी रस्सी टूट जाती है और जैक्सन मरने से बच जाती है। दरअसल उसकी जिंदगी में बहुत सारे मसले हैं, टेंशन हैं, जिनकी वजह से वो इतनी परेशान रहती है कि डिप्रेशन का शिकार हो गई। अपने दिल का बोझ भी वो हल्का नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो उसके दुख दर्द को समझे। अब सीन शिफ्ट होकर आता है एक आदमी पर जिसका नाम सैम था। काम से घर आने में आज उसे देर हो गई थी, इसीलिए उसकी वाइफ पूछती है कि आज तुम लेट क्यों हो गई, क्या बात है। जिस पर सैम जवाब देता है वो बस ऑफिस में काम ज्यादा ही था, इसी वजह से देर हो गई। जैक्सन जमीन पर बैठकर रोने लगी क्योंकि मरने से वो बच चुकी गई थी। फिर वो मैसेज करती है सैम को। जब सैम अपने मोबाइल में देखता है कि जैक्सन नाम की लड़की मुझे मैसेज कर रही है और खुद को मेरी बेटी बता रही है तो वो काफी हैरान रह गया। फिर उसे लगा कि जरूर मेरे साथ ये कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उस लड़की ने अपनी माँ का नाम बताया तो सैम काफी हैरान रह गया क्योंकि ये उसकी पहली वाइफ का नाम जिसे वो छोड़ चुका था। अब जैक्सन उसे कहती है क्या हम मिल सकते हैं, जिस पर सैम राजी हो गया और वो अपनी वाइफ को किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर उसे मिलने के लिए निकल जाता है। इन्होंने पार्क में मिलने का प्लान बनाया जहाँ पहले जैक्सन पहुँच जाती है। फिर जब सैम आया तो वो वहाँ उदास परेशान जैक्सन को देखता है और उससे पूछने लगा एक्सक्यूज मी क्या तुम ही जैक्सन हो। तब उसके हाँ बोलने पर सैम उसके पास बैठ गया और ये दोनों बातें करने लगते हैं। जैक्सन उसे बताती है कि हाँ मैं आपकी पहली वाइफ में से बेटी हूँ, आप लोगों ने जब शादी की थी तो मेरी मॉम प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन जब तक ये बात वो आपको बताती काफी देर हो गई क्योंकि आप दोनों अलग हो चुके थे। हालांकि अब मेरे और मॉम के ताल्लुक भी अच्छे नहीं रहे, वो मुझे छोड़कर अलग रहती है। अब सैम उसकी बातें सुन तो रहा था लेकिन इन बातों पर इतनी जल्दी यकीन करना मुश्किल था। उसे तो इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी एक बेटी भी है। इन सारी बातों की वजह से सैम काफी परेशान हो गया क्योंकि जाहिर है अब उसने दूसरी शादी कर ली थी और शायद उसकी वाइफ जैक्सन को ना अपनाए। उसे अपनी बेटी की फिक्र भी हो रही थी, पर वो क्या करता, जैक्सन के लिए कोई फैसला भी नहीं ले सकता। अब वो उसे ये कहकर जाने लगा कि ठीक है बेटा अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे। लेकिन जैसे वो जाने लगा ये दोनों एक आदमी को आता हुआ देखते हैं जिसने पेंट कोट पहना हुआ था और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो आदमी एक बच्ची के पास गया और अचानक उसका बड़ा सा मुंह खुल जाता है। वो अपने बड़े से मुंह में बच्ची का सर रखता है और फिर ऐसे ही सारा उसे मुंह में लेकर निकल जाता है और उसका मुंह वापस बंद होकर अपनी असली हालत में आ गया। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए और अब वो बड़े मुंह वाला अजीब आदमी इनकी तरफ बढ़ने लगा, पर ये दोनों काफी डर गए। जल्दी से वहाँ से भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वापस अपने अपने घर आ गए। अब जैक्सन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने एक अजीब बड़े मुंह वाले आदमी को देखा, इसीलिए वो इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करती है लेकिन वहाँ भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। अब तभी कोई उसका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। अब पहले तो जैक्सन थोड़ा घबरा गई लेकिन फिर हिम्मत करके उसने दरवाजा खोल ही दिया, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। अब जब उसने दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ के देखा तो वो बड़े मुंह वाला आदमी अंदर आ गया था। अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है जैक्सन को निगलने के लिए, पर वो एक रॉड लेकर उसके मुंह में मारती है और उसे साइड पर करके वहाँ से भाग जाती है और सीधा सैम के घर आ गई। घर में अंधेरा था, वो सैम से बात करने लगती है, कहती है कि अब वो हमारे पीछे पड़ गया है क्योंकि आज वो मेरे घर तक आ गया था, वो हमें भी निगल जाएगा, इसीलिए हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, चलिए मेरे साथ। पर सैम उसके साथ जाने से मना कर देता है। अब यहाँ उसकी वाइफ को लगा जैसे इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, पर जैक्सन उसे कहती है कि आंटी जी ये मेरे डैड हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। अब उसकी बात पर सैम की वाइफ को भी यकीन नहीं आता, पर तभी उसे बाहर किसी की आहट महसूस होती है। उसने जब पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ पार्क वाला आदमी था जो उनके घर की तरफ ही बढ़ रहा था। उसे देखकर जैक्सन बताती है कि यही तो है वो बड़े मुंह वाला आदमी जो अब हमारे पीछे है, तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पर वो दोनों ही नहीं मानते। इस वजह से जैक्सन को गुस्सा आ गया और वो दोनों को चाकू दिखाकर धमकाने लगती है। इस वजह से सैम की वाइफ डर गई और अब वो अपने हस्बैंड को जैक्सन के साथ जाने देती है और वो अपने डैड को लेकर निकल गई। रास्ते में जैक्सन अपने डैड को बताती है कि हम मेरे एक दोस्त के घर जाएंगे क्योंकि वो इस तरह के अजीब लोगों के बारे में काफी कुछ जानता है। अब इसी बीच सैम की वाइफ उसे कॉल करती है क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की फिक्र हो रही थी, लेकिन सैम फोन नहीं उठाता बल्कि उसे अपनी लोकेशन भेज देता है कि इस वक्त वो कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं, ताकि अगर उसकी वाइफ ने आना हो तो वो लोकेशन के जरिए आ सके। थोड़ी ही देर में जैक्सन और सैम उसके दोस्त के घर पहुंच गए, लेकिन जब ये अंदर गए तो वहाँ तो पार्टी चल रही थी, सारे ही नशे में धुत थे, यहाँ तक कि उसका दोस्त भी, लेकिन उसे थोड़ी बहुत होश थी। जैक्सन अपने दोस्त को उस बड़े मुंह वाले आदमी के बारे में बताती है और उसका नाम रखती है चोम्पी। अपने साथ बाहर ले आए और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो इनसे पूछता है कि आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हो, इस पर जैक्सन जवाब देती है कि तुम हमारे लिए एक जादुई दायरा बनाओ ताकि उसे पार करके चोम्पी हम तक ना आ सके और हमें कोई
कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। अब इसी बीच इन्हें वही पिंक जैकेट वाली बच्ची दिखाई देती है जिसे पार्क में चॉम्पी निगल गया था। जैक्सन गाड़ी रोककर उस बच्ची के पास जाती है जो काफी घबराई हुई थी। जैक्सन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ और उस दिन तुम्हारे साथ उस आदमी ने क्या किया था, तुम उसके अंदर से कैसे निकलकर बाहर आ गई। पर वो लड़की उसे ठीक से कोई जवाब नहीं देती। अब तभी जैक्सन और सैम एक बार फिर चॉम्पी को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं। वो काफी डर गए। इस बार वो बच्चे को भी अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वे लोग दोबारा से जैक्सन की दोस्त के घर आ गए। अंदर जब भी आए तो सैम जैक्सन से बात करने जाता है लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो नशा ले रही है तो उन्हें गुस्सा आया, इसीलिए वो जैक्सन के हाथ से नशे का पैकेट लेकर सारा नीचे गिरा देते हैं। जिस पर जैक्सन सैम से कहती है कि डैड आपको अंदाजा नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कितने मसलों में घिरी हुई हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ इसलिए सब करती हूँ। अब ये बातें सुनकर सैम को जाहिर है बहुत दुख लगता। अब जैक्सन का दोस्त बच्ची को गाड़ी से बाहर आने को कहता है पर क्योंकि वो काफी डरी हुई थी इसलिए बाहर निकलने से मना कर देती है। तब सैम बच्ची को प्यार से मना कर गाड़ी से बाहर लेकर आए और उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले आते हैं। जैक्सन को वहाँ एक किताब मिलती है जिसमें दूसरी दुनिया के अजीबोगरीब क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा हुआ था। अब किताब लेकर जब जैक्सन कमरे से बाहर आई तो देखती है कि सैम जमीन पर बेहोश पड़ा है और वो बच्ची उसके मुँह के पास बड़ी अजीब हालत में बैठी हुई है। पर जैसे उसने जैक्सन को देखा वो यहाँ से भाग गई, इससे उसे भी काफी हैरानी हुई। अब वो जल्दी से सैम के पास आकर उसे उठाती है। सैम को जब होश आया तो वो जैक्सन को बताता है कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई काटने की खाने की कोशिश कर रहा है। जैक्सन किताब फिर से देखने लगी जहां आखिरकार अब उसे उस मॉन्स्टर के बारे में पता चल गया था जो लोगों को खा जाता है। अब तभी ये नोटिस करते हैं कि सैम का एक पाँव किसी छोटी बच्ची जैसा बन गया है, जो देखकर वो हैरान और परेशान रह गया। उसकी टेंशन बढ़ गई। अब अपने डैड का ध्यान पाँव पर से हटाने के लिए जैक्सन उनसे इधर उधर की बातें करने लगी। तब सैम बताते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को कॉल करके यहाँ बुला लिया है। ये सुनकर जैक्सन को बहुत बुरा लगा और वो अपने डैड से नाराज होकर यहाँ से जाने लगी। पर तभी इन्हें बाहर किसी की आवाज सुनाई दी तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि चॉम्पी था जो अब इनकी तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन इस बार वो डरती नहीं बल्कि हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करती है। सैम उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है और उस छोटी बच्ची ने मुझे काटने की कोशिश क्यों की और मेरे पैर को ऐसा क्यों बना दिया। आखिर जैक्सन भी उससे पूछती है क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो, चाहते क्या हो हमसे। तब चॉम्पी नीचे बैठकर फिर से अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और इशारे से उनसे कहता है कि मेरे मुंह के अंदर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब यह डरते हुए जैक्सन चॉम्पी के मुंह में अपना सर डालती है और फिर सारी अंदर घुसकर उसके पेट में चली गई। वो फिर सैम को भी अपने अंदर आने का कहता है तो वो भी डरते डरते उसके बड़े से मुंह से पेट में चला जाता है। अंदर जाकर ये देखते हैं कि मुंह के साथ साथ उसका तो पेट भी बहुत बड़ा अलग ही किस्म का है। जहाँ ये लोग चॉम्पी की आवाज़ सुनते हैं जो इनका वेलकम करता है। वो फिर इन्हें बताता है कि मैं असल में यहाँ एक शैतान को पकड़ने आया हूँ और जिस बच्ची से तुम लोग मिले थे जिसे मैंने निगल लिया था वो शैतान असल में उस बच्चे के अंदर ही है। बच्चे के अंदर वो शैतान लोगों को काट काट कर अपनी तरह बना रहा है। उसने सैम पर भी हमला किया था जब भी उसका पैर एक छोटी बच्ची जैसा बन गया है और अब हमने उस शैतान को ढूंढकर खत्म नहीं किया तो सैम बिल्कुल उस छोटी बच्ची जैसा बन जाएगा, यानी उसका क्लोन डुप्लीकेट। तो अब यहाँ इन दोनों को सारी बात समझ आ जाती है कि असल में चॉम्पी ने पार्क वाली बच्ची को क्यों निगला था। बच्ची के अंदर का शैतान अपने इसी तरह क्लोन बनवा कर लोगों को कटवा कटवा कर बच्ची जैसा बना देगा और यहाँ सबके अंदर वो शैतान होगा और उसकी पूरी आर्मी बन जाएगी। जिसके बाद चॉम्पी इन दोनों को अपने मुँह से बाहर निकाल देता है और ये दोनों काफी खुश थे कि थैंक गॉड इसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और वो इनकी और बाकी सबकी मदद ही करना चाह रहा था और ये लोग उसे ही गलत समझ रहे थे। चॉम्पी यहाँ से जाने लगा लेकिन तभी गाड़ी लेकर सैम की वाइफ आ जाती है और वो गाड़ी चॉम्पी के ऊपर चढ़ा देती है। वो बुरी तरह कुचला गया और ऐसी मुंह खुली हालत में उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर जैक्सन काफी दुखी हो गई। वो उसकी लाश के पास आकर बैठ गई और उदास होते हुए कहती है कि चॉम्पी तो हमारी मदद करना चाहता था लेकिन ये तो मर गया, अब हम क्या करेंगे। तब सैम की वाइफ कहती है कि पुलिस को बुला लेते हैं पर जैक्सन और सैम इस बात से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो कोई नया खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। जिसके बाद वो चॉम्पी की लाश को सैम के दोस्त की गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं। होटल आकर जैक्सन सैम को कहती है कि डैड आप अपनी वाइफ से कितना डरते हैं, क्या आप इनके गुलाम हैं। अब ये बात सुनकर सैम को बहुत बुरा लगता है। वो जैक्सन को कहते हैं कि फिलहाल ये बात करने का वक्त नहीं है, हमें उस बच्ची को ढूंढकर प्यार से उसे बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि वो कितना गलत कर रही है ऐसे लोगों को काट काट कर और अपने क्लोन्स बनाकर। ये आइडिया जैक्सन को पसंद नहीं आता। कहती है डैड आपको क्या लगता है वो प्यार से हमारी बात मानेगी, उसका जो हल है हमें वही करना है, बच्ची को मारना है ताकि वो शैतान भी खत्म हो जाए। अब वो बच्ची एक लड़की के पास गई और उसे बहाने से मदद मांगती है ताकि उसे भी काट कर अपने जैसा बना ले।
और अब ये तीनों गाड़ी में बैठकर निकल गए बच्चे से बात करने के लिए। रास्ते में सैम कहते हैं कि मैं अपने प्यार की वजह से ये महसूस कर सकता हूँ कि वो बच्ची यहीं आसपास ही है। अब इसी बीच इन्हें वो बच्ची दिख जाती है जिसके साथ वहाँ उसे जैसी दो और बच्चियाँ भी थीं जो दरअसल उसकी क्लोन्स थीं। ये देखकर जैक्सन गाड़ी से उतरकर बाहर आई जिसे देखकर तीनों बच्चियाँ यहाँ से भागने लगती हैं। तब जैक्सन सैम की वाइफ की मदद से उनमें से एक बच्ची को पकड़ लेती है और उसे डिग्गी में डालने की कोशिश करने लगी, पर उन्हें ऐसा करते हुए एक आदमी देख लेता है। वो सोचता है कि ये लोग बच्चे को अगवा कर रहे हैं, इसीलिए वो अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है। पर इससे पहले वो ऐसा करता जैक्सन उस पर हमला कर देती है, उस पर झपट पड़ी और काफी मारती है जिस वजह से आदमी को यहाँ से भागना पड़ता है और ये तीनों भी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। डिग्गी में इन्होंने बच्चे को बंद किया हुआ था। खैर अब ये लोग जैक्सन के घर आ गए और बच्चे को डिग्गी से बाहर निकाल कर बड़ी मुश्किल से घर के अंदर लेकर आते हैं और उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है। अब जैक्सन अपने दोस्त को कॉल मिलाती है, कहती है कि हमने तुम्हारे घर में चौंपी की लाश को छोड़ा था, इसे जल्दी से लेकर यहाँ आ जाओ। थोड़ी देर बाद जब जैक्सन घर से बाहर देखती है तो वहाँ बच्चे के बहुत सारे क्लोन्स थे जो इनके घर की तरफ ही बढ़ रहे थे। यहाँ जैक्सन उन सबको कहती है कि हमें इस बच्ची को टॉर्चर करना चाहिए क्योंकि हो सकता है जब इसे टॉर्चर किया जाए तो बाकी क्लोन्स भी तकलीफ महसूस करें और यहाँ से चले जाएं, पर सैम इसके लिए मना कर देता है। बाहर वो सारे क्लोन्स घर के पास आ गए थे, वो अंदर आने वाली हर खिड़की दरवाजों को खोलकर अंदर घुस जाते हैं। तभी बाहर जैक्सन का दोस्त भी आ गया था लेकिन वो गाड़ी से बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि उसके चारों तरफ भी बच्ची की क्लोन्स थे। अब जैक्सन अपने दोस्त को कॉल करती है, वो पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। वो जवाब देती है कि तुम हमारे लिए जादुई दायरा बनाओ ताकि ये क्लोन्स हमें नुकसान ना पहुंचा सके। उसका दोस्त कहता है कि मुझे कोई जादुई दायरा बनाने नहीं आता, मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ। अंदर सैम देखता है कि कुछ क्लोन्स ने उसकी वाइफ पर हमला करके उसे पकड़ा हुआ है और लिटा कर वो उसके ऊपर बैठी है। सैम भी उन क्लोन्स से लड़ने लगा, उन्हें मार कर वहाँ से भगाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। अब जैक्सन घर से बाहर आई, जो जो क्लोन्स उसका रास्ता रोक रही थी वो धक्का मारकर उन्हें साइड में करती है और जल्दी से अपने दोस्त को गाड़ी की डिग्गी खोलने का कहती है। उसने जैसे गाड़ी की डिग्गी खोली जैक्सन एक क्लोन को पकड़कर उसे चोंपी के मुंह में डाल देती है, लेकिन तभी एक दूसरी क्लोन जैक्सन को पकड़ लेती है और उसे भी चोंपी के मुंह में फेंक देती है। सैम और उसकी वाइफ एक जगह पर बैठे हुए थे, देखता है कि उसकी वाइफ का हाथ भी छोटी बच्ची जैसा बन गया है जिस वजह से दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं। ऊपर से क्लोन उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीट रहे थे। अब जब जैक्सन जॉम्बी के पेट में गई तो वो वहाँ असली बच्ची से बात करती है। बच्ची रोते हुए उसे बताती है कि मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन जो मेरे अंदर शैतान है वो ये सबको काट काट कर मेरे जैसा बनाता जा रहा है। उसने मेरे जरिए मेरे मॉम डैड को काटा, फिर और भी कई सारे लोगों को जो सबके सब मेरे ऐसे बन गई है। इससे पहले वो यहाँ मेरे ऊपर हावी हो जाए मैं अपना कंट्रोल खोकर तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, पर वो जाने से मना कर देती है। उसे बच्ची पर तरस आ रहा था तो उसकी जान बचाने के लिए वो रिस्क लेने का ही फैसला करती है और उसे कहती है कि तुम उस शैतान को मेरे अंदर भेज दो, मैं उस शैतान से लड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। जो कहकर वो बच्ची के गले से लग जाती है और उसके अंदर का शैतान निकल कर अब जैक्सन के अंदर चला जाता है। ऐसा होते ही वो सारे क्लोन्स जो बच्चे जैसे दिख रहे थे अब वो जैक्सन जैसे दिखने लगते हैं। जैक्सन अपने होश में थी, वो शैतान से लड़ती है और उन सभी क्लोन्स को चोंपी के पेट में आने पर मजबूर करती है। और अब जैसे जैसे वो सारे क्लोन्स चोंपी के मुंह में घुसकर उसके पेट में आते हैं वो सारे अपने अपने असली रूप में वापिस आ जाते हैं। साथ ही अंदर ही जैक्सन शैतान से भी लड़ रही थी। अब सैम भी उसके पेट में आ गया और अपने बेटे जैक्सन की मदद करता है उस शैतान से लड़ने के लिए। वो दोनों अब मिलकर उस शैतान को बड़ी ताकत लगाकर जैक्सन के अंदर से बाहर निकाल देते हैं और अब वो यहाँ से इस दुनिया को ही छोड़कर निकल जाता है। पर जाते जाते उसने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया था, इसीलिए अब ये दोनों बाप बेटी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। पर तभी बाहर से सैम की वाइफ और जैक्सन का दोस्त एक रस्सी की मदद से रास्ता बनाते हैं और इन दोनों को सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं। एक दूसरे से मिलकर ये सारे लोग बहुत खुश हो गए थे और वो बच्ची जिसके अंदर से अब शैतान हमेशा के लिए निकल चुका था वो भी अपने मॉम डैड को वापस असली रूप में देखकर काफी खुश हो जाती। यह सैम जैक्सन को कहता है मेरी बेटी मुझे माफ करना, इतने साल में तुमसे दूर रहा और तुम्हारे बारे में पता भी नहीं लगवा पाया, तुम्हारे डिप्रेशन की वजह मैं हूँ, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, आइंदा की बार तुम्हारा ख्याल मैं ही रखूंगा। ये कहकर वो जज्बाती हो गई और जैक्सन को गले से लगा लेते हैं। अपने बाप का ये प्यार देकर वो भी रो देती है और यहाँ उसकी वाइफ ने भी जैक्सन को अपना लिया था अपनी बेटी के तौर पर और इस तरह उनकी फैमिली पूरी हो गई थी। इस फिल्म की भी यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।